हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू हेयर एंड वेलकम बैक माय चैनल। गाइज, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ एक करवा चौथ पर आप कैसे अपना लुक कंप्लीट कर सकते हैं विद ज्वेलरी, विद बैंगल्स, विद आउटफिट। तो फ्रेंड्स, ये जो लुक है ये मैंने करवा चौथ के लिए क्रिएट किया है। अगर आप न्यूली मैरिड हैं, अभी अभी शादी हुई है, तो जो शादी का जोड़ा है वो पहनना बहुत शुभ माना जाता है इस दिन। तो उसी की तरह आप न्यूली मैरिड की तरह आप कैसे रेडी हो सकते हैं इसी, और लाल जोड़ा जो होता है वो करवा चौथ के लिए बहुत शुभ होता है। तो मैंने इसलिए ये रेड कलर का लहंगा कैरी किया है और ग्रीन कलर की इस पर ज्वेलरी मैच की है और ये चूड़ा डाला है इस पर। और बाकी जो मेकअप है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए गाइस पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर न्यू हैं या चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही गाइज प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि इसी तरह की और जो मेकअप की वीडियो हैं वो आएँ तो आप तक उनकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये नए पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। ये लाइट मॉइस्चराइज़र है और इसको आपको अपनी फिंगर टिप से अच्छी तरह आपके फेस पर ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड करने के बाद आपको नेक पे भी लगाना है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, और ये आपको लेना है एक मटर के दाने जितना फिंगर टिप्स पर, और आपको अपने पूरे फेस पर इसको लगा लेना है। और जो ये प्राइमर होता है गाइस, ये प्राइमर हमारे फेस के जो ओपन पोर्स होते हैं इनको मिनिमाइज़ कर देता है। यहाँ गाइस, जब मैं परसोनी का ये फाउंडेशन यूज करूँगी और इसी के एप्लीकेटर से इसे अपने फेस पर लगाऊँगी, और लगाने के बाद इसको आपको आपकी नेक पर भी लगाना है। और उसके बाद गाइज आपको लेना है एक ब्रश, और उसकी हेल्प से आपको आपके फेस पर इसको लगा लेना है। और लगाने के बाद आपको लेना है एक भीगा हुआ ब्यूटी ब्लेंडर, उसको आपको अच्छी तरह से निचोड़ कर और फिर आपको अपना फाउंडेशन ये इसको इसे टैप टैप करके सेट कर लेना है और नेक पर भी कर लेना है। इसके बाद गाइज मैं यहाँ कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर जो है एन वाई बे का है, और इसको आपको ट्रायंगुलर शेप में आपकी आईज़ के नीचे लगाना है। उसके बाद फोर हेड, नेक और लिप्स के अराउंड लगाना है, और ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा आग ब्लेंड कर लेना है। और फिर आपको लेना है फिर से ब्यूटी ब्लेंडर, और ब्यूटी ब्लेंडर की जो ये टिप है इसकी हेल्प से आपको आपके आईज़ के अराउंड इसको ब्लेंड करना है, और साथ ही आपको अपने लिप्स के अराउंड फोर हेड और नेक पर भी कर लेना है। अब गाइज मैं आईब्रो फिल करूँगी। अपनी आईब्रो फिल करने के लिए यहाँ मैं ब्राउन कलर का आई शेड ले रही हूँ, और इसको मैं अपनी आईज़ पर हल्का हल्का लेते हुए आईब्रो पर लगा ले रही हूँ, और उसके बाद इसे इसके ब्रश से सेट कर ले रही हूँ। दोनों आईब्रो पर ऐसे किया है। अब इसके बाद मैं आईज़ पर लगा रही हूँ कंसीलर, और इसी के साथ गाइज आईब्रो के आसपास भी, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको सेट कर ले रही हूँ, और इसी तरह आईब्रो के पास भी कर लेना है। और ये जब अच्छे से सेट हो जाए तो गाइज आपको लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर, और इस पर ब्यूटी ब्लेंडर पर लगाकर आपको का कंसीलर सेट कर लेना है, और इसी तरह दूसरी आईज पर भी कर लेना है। इसके बाद गाइज मैं ये एलेटीन का कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर अपने ऑल ओवर फेस पर अपना फाउंडेशन इसको सेट कर ले रही हूँ, और साथ ही गाइज आपको नेक पर भी कर लेना है। और इसके बाद मैं यहाँ पर गाइज हुड्डा ब्यूटी की ये आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और इसमें से ये गोल्डन शेड है जो इसको सबसे पहले अपने जो ये फ्रेंड्स एक गोल्डन शेड को मैं क्रीज आईलाइन पर अपने लगा ले रही हूँ, और इसको हल्का हल्का लेते हुए लगाए जा रही हूँ। और अब लेना है आपको रेड शेड, और इसको आपको थोड़ी नीचे की साइड आपको आई लिड पर लगाना है, और हल्का हल्का लेते हुए आपको लगाना है, और आउटर वी की साइड भी इसी को लगाना है, और इसको ब्रश से हल्का सा ब्लेंड कर लेना है, और उसके बाद फिर से आपको गोल्डन शेड से इसको मैच कर लेना है। और इसके बाद गाइज मैं एक बार फिर से ये महरूम डार्क महरूम रंग कर लूँगी, और इसको अपने ऊपर और नीचे दोनों की साइड आईज़ के आसपास इसे ब्लेंड कर लूँगी। और गाइज मैंने ओलिविया का आईलाइनर लिया है, और इसको मैं अपने अपर आईलिड पर लगा रही हूँ पहले, और इसको हल्का हल्का लेते हुए विंग आईलाइनर मैं यहाँ बना रही हूँ, और फिर आपको हल्का हल्का करते हुए आपको इसको आगे तक ले जाना है। और
ये मेरा लाइनर अब लग चुका है। अब मैं इसके बाद यार मैं अब मस्कारा लगा रही हूँ। लैक्मे आइकॉनिक का मस्कारा है, ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है और इसको आपको हल्का हल्का लगाते जाना है। और ये आपकी एकदम से आइज़ की जो पलकें हैं उनको एकदम से घना और काला दिखाता है। और यहाँ पर गाइज अब मैं एम आई वे का काजल यूज कर रही हूँ और इसको सबसे पहले तो मैं अपने इनर पार्ट पर लगा रही हूँ और उसके बाद गाइज मैं इसे आउटर पर भी लगाऊंगी अपनी आइज़ को और बोल्ड लुक दिखाने के लिए। अब मैं इसे बाहर की साइड भी लगा रही हूँ और एक ब्रश की हेल्प से अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और ये अब थोड़ा ब्लेंड हो गया है तो अब मैं इसी तरह से अब दूसरी आइज़ पर भी दूसरी आइज़ का मेकअप कर ले रही हूँ। और ये मेरी दूसरी आइज़ का मेकअप भी मैंने कर लिया है। तो गाइज अब जो इसको जो फॉल हो गया है इसको हम इस ब्रश से साफ़ कर देंगे। और गाइज अब ये मैं जो ब्लश लगा रही हूँ ये रोज़ का मिस रोज़ का ब्लश है और इसका रेड शेड लेकर मैं अपने चीक्स पर लगा रही हूँ। हल्का हल्का मुस्कुराते हुए आपको दोनों चीक्स पर अपने लगा लेना है। और अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे सेट कर सकते हैं। और गाइज अब ये यहाँ पर सिवाना का सिमर ब्रिक हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ और आपको फैन ब्रश पर लेकर अपने चीक बोन्स पर इसे अच्छे से लगा लेना है। यहाँ मैं हल्का सा लगा रही हूँ, आप चाहें तो और डार्क भी लगा सकते हैं। और इसके बाद गाइज आपको आपकी नोज़ टिप पर और अपनी चिन पर और अपने फोरहेड पर भी इसको लगा लेना है। और गाइज ये मैं फिंगर टिप की हेल्प से अपने आईब्रो बोन पर भी इसे लगा ले रही हूँ। और लगाने के बाद गाइज मैं अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर पर भी इसको अपने फिंगर टिप की हेल्प से लगा रही हूँ। और गाइज अभी ये मैंने एक लिप पेंसिल ली है और इससे मैं अपने लिप की आउटलाइन कर रही हूँ। और इसके बाद गाइज ये मैं ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट लिप कलर है और इससे अपने होट लिप्स को जो है फिल करूँगी। और ये रेड कलर है, काफ़ी अच्छा रेड कलर है ये। और ये गाइज मैंने अच्छे से लगा ली है और अपनी फिंगर से इसको क्लीन कर लिया है। और गाइज यहाँ मैं लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर लगाऊंगी, डबल आईलाइनर लुक यहाँ मैं लगा रही हूँ, गोल्ड आईलाइनर साथ में ब्लैक के। और ये मेरा लग चुका है। और गाइज यहाँ पे मैं एक रेड बिंदी लगा रही हूँ, बिंदी थोड़ी बड़ी लगा रही हूँ मैं। और ये सूखा सिंदूर लगा रही हूँ अब मैं, क्योंकि सूखा सिंदूर ज़्यादा अच्छा लगता है करवा चौथ पर। और ये मैं थोड़ा ज़्यादा सा लगा रही हूँ ताकि न्यूली मैरिड का लुक लगे। तो फ्रेंड्स आई हैव डन माय मेकअप और चलिए हम अपने आउटफिट और ज्वेलरी के साथ रेडी होके आते हैं। आप तो अब मैं अपनी हेयर स्टाइल बनाऊंगी। सबसे पहले गाइज आपको आपका सेंटर पार्टीशन करना है और उसके बाद ये आपको लेना है, इसको इस तरह से हुए आपको ये इसे सिक्योर कर देना है।
फ्रेंड्स, जितना बड़ा आपको पल्ला लेना है उसी हिसाब से तो फ्रेंड्स, एक न्यूली मैरिड की तरह आप कैसे रेडी हो सकते हैं, तो मैं ये रेडी हो गई हूँ। आप अपना इस तरह से शादी का जो जोड़ा है उसको पहन के आप रेडी हो सकते हैं।